दूसरी बार शो में पूछा कि मेंटल कंडीशन के साथ खिलवाड़ किया गया है खेल सकते हैं, इस बार आपकी यादाश्त चली गई, आप क्या कहना चाहते हैं? पूजा 5 साल पहले की ज़िंदगी जी रही है अब, और मामा मामी नहीं चाहते हैं कि वो पुराना कुछ भी याद करे और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे, इसीलिए उसके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। जहाँ पे उसके लिए गलत रिश्ता आता है जो मामा मामी को नहीं पता होता कि सही है, और तभी राहुल और सुरभि उसे रोकने के लिए आ जाते हैं ताकि रिश्ता तय ना हो और पूजा गलत घर में ना जाए। और इसके अलावा जो व्यास मैंशन के लोग हैं वो भी आते हैं पूजा के लिए, एक तरीके से मायके वाले बनकर, वेल विशर बनकर। और एंड में अर्जुन आते हैं और अर्जुन कहते हैं कि पूजा किसी और घर में क्यों जाएगी, अगर वो मुझसे शादी करेगी तो वो सेम घर में आ जाएगी व्यास मैंशन में, तो उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। हाँ, पूजा तो 5 साल पहले जा चुकी है और वो नहीं, उन्हें याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जैसे नरेन की कुछ आदतें हैं जो पूजा के मन में बस गई हैं, जैसे कि पूजा को लड्डू खाना बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन आज वो लड्डू बड़े चाव से खाती है, शायद कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं उसके अंदर आज भी। फैंस को मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि अक्षय मात्रे बहुत ही बीमार हो गए थे तो उन्हें डेंगू हो गया था, तो इसलिए हम लोगों को अपनी स्टोरी थोड़ी चेंज करनी पड़ी, और इसकी वजह से मैं जानती नहीं हूँ कि आगे क्या होने वाला है, और हम लोग प्रे कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम डिसाइड कर पाए कि हमें किस तरीके से एक हैप्पी एंडिंग करनी है। थैंक यू।